है फ्रेंड्स, आई एम अरुण वर्मा एंड आज हम ये जानेंगे कि कैसे लो बजट में हम अपने मोबाइल का एक बैक कवर बना सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं हमारे टेक्नीशियन रूम की तरफ और हम सीखेंगे आप बैक कवर कैसे बनाते हैं। ठीक है, चलिए। जो कि आप देख रहे हैं, जिस प्रकार से हमने ये बोतल ली है, ये एक शैम्पू की बोतल है। पहले हम इसका ढक्कन हटा देंगे और इसको कटर द्वारा इसका जो शेप है, साइड से फ्लैट शेप है, उसे हम काट लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, जिस प्रकार की आप देख रहे हैं, जो हिस्सा जो हम काट रहे हैं कटर से, ये हिस्सा थोड़ा फ्लैट है और मोबाइल के जितना, मतलब लगभग मोबाइल जैसा ही है, जिस पर हम आसानी से मोबाइल के बैक कवर के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसके बैक कवर को, मतलब जो फिट बैठे, इसलिए हम इसे स्केच से लाइनिंग बना लेंगे ताकि हम उसे वहाँ आसानी से मोड़ सकें, ताकि वह मोबाइल में फिट बैठे आसानी से। फिर उसके बाद हम ये जो ओवर हिस्सा है, इसको हम कैंची द्वारा या और कोई भी साधन द्वारा काट लेंगे। ये देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से ये हम आपको बता रहे हैं। इसके लिए फिर हम मोबाइल जितना एक मोबाइल की थिकनेस जितना एक पुष्टा लेंगे, ताकि हम उसके लिए साइड से कवर को मोड़ें तो वो आसानी से मोबाइल जितना फिट बैठे। फिर हम इस पर भी मोबाइल जितना स्केच से लाइनिंग करके इसे काट लेंगे, ताकि ये मोबाइल के साइज का बन जाए। उसके बाद हम देखेंगे कि मोबाइल जितना कट चुका है और ये मोबाइल के आकार का बन चुका है। अब देखिए किस प्रकार हम इस पर जो हमारा प्लास्टिक का जो हमने हिस्सा अलग किया हुआ है शैम्पू की बोतल से, हाँ इस शैम्पू की बोतल के इस हिस्से को हम मोड़ सकते हैं आसानी से, वो भी किससे, आग से गर्म करके। क्योंकि आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए किस प्रकार हम लाइटर से इसे गर्म कर रहे हैं और इसे मोड़ रहे हैं। आप जानते हैं कि आग से प्लास्टिक थोड़ा नरम हो जाता है और फिर थोड़ी देर में वापस कड़क हो जाता है, इसलिए ये इसका उपयोग करना बहुत ही, मतलब मज़ेदार रहेगा। आप देख रहे हैं फ्रेंड, किस प्रकार से हमने ये गर्म किया है और ये किस प्रकार से आसानी से अपना शेप बदल रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए किस प्रकार ये आकार बदल रहा है और किस प्रकार हम इसका आकार बदल रहे हैं। फिर हम इस पर थोड़ा अपनी लॉक की और साउंड्स की जो लाइनिंग है, जहाँ पर बटन है वहाँ पर लाइनिंग करके इसे काट लेंगे। उसके बाद देखिए, फिर हम दोबारा से इसे जो कोने हैं इसके, उनको आग से गर्म करके उन्हें अच्छी से अपने आकार में ला रहे हैं। अब फ्रेंड्स ये देखिए, ये साइड से इसे कोने भी आकार में आ रहे हैं धीरे धीरे, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इसे कोने अच्छी से आकार में आ गए। अब हमें कैमरे का जो चाहिए जगह, उसकी जगह हम फिर लाइनिंग से इसे काटेंगे और कटर का यूज़ करेंगे काटने के लिए, ताकि हमारे कैमरे का जो शेप है वहाँ पर हो, और ताकि कैमरा हमारा आसानी से बैक कवर से निकल सके, ताकि हम अपना कैमरे से आसानी से अपनी सेल्फी और पिक्स खींच सकते हैं। अब आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे बैक कवर के शेप में आसानी से आ चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखते हैं मोबाइल में इसमें सेट करके होता है या नहीं। और फ्रेंड्स ये बड़ी आसानी से देखिए कवर में सेट हो गया है मोबाइल, और ये बहुत ही आसानी से इसमें पूरा काम भी कर रहा है देखिए, और ये बहुत मजबूत भी है, इसे गिराने पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, प्लास्टिक बहुत ही मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम अपने मोबाइल का बैक कवर बना सकते हैं। इसी प्रकार